हेलो नमस्कार दोस्तों, तो आप देख रहे हैं जियो न्यूज़। तो वक्त हो गया है दोपहर की बड़ी खबरों को जानने का। तो उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह की देश दुनिया की आप सारी खबरों से रह सके अपडेट। तो चलिए जानते हैं आज दोपहर की बड़ी खबरें। व्हाट्सएप ग्रुप एडमिन जल्द ही ग्रुप में सभी के लिए चैट डिलीट कर सकेंगे। जी हां, एक रिपोर्ट के मुताबिक व्हाट्सएप यूजर्स एक्सपीरियंस को बेहतर बनाने के लिए कई फीचर पर काम कर रहा है। मैसेजिंग ऐप जल्द ही एक नया फीचर रोल आउट करेगा जो ग्रुप एडमिन को सभी के लिए मैसेज डिलीट करने की अनुमति देगा। एक बार शुरू होने वाले ग्रुप एडमिन के लिए अश्लील या फिर आपत्तिजनक संदेशों को हटाना आसान हो जाएगा। राहुल गांधी ने कहा, मोदी सरकार के दबाव में ट्विटर मेरे फॉलोअर्स को सीमित कर रहा है। जी हां, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने ट्विटर के सीईओ पराग अग्रवाल को पत्र लिखकर आरोप लगाया कि नरेंद्र मोदी सरकार के दबाव के चलते सोशल मीडिया साइट उनके फॉलोअर्स को सीमित कर रही है। इसके जवाब में ट्विटर ने कहा कि कंपनी के पास फॉलोअर्स हेरफेर और स्पैम के लिए एक शून्य सहिष्णुता दृष्टिकोण है। मनीष सिसोदिया ने कहा, दिल्ली सरकार डीडीएमए की बैठक में स्कूलों को फिर से खोलने की करेगी सिफारिश। जी हां, दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि सरकार डीडीएमए की होने वाली अगली बैठक में स्कूलों को फिर से खोलने की सिफारिश करेगी। उन्होंने कहा कि हमने स्कूल उस समय बंद कर दिए थे जब ये बच्चों के लिए सुरक्षित नहीं थे, लेकिन अत्यधिक सावधानी अब हमारे बच्चों को नुकसान पहुँचा रही है। हरियाणा ने 10 फरवरी तक बढ़ाए कोविड-19 प्रतिबंध, ये है नई अनुमतियां। जी हां, हरियाणा सरकार ने राज्य में मौजूदा कोविड-19 प्रतिबंधों को 10 फरवरी तक बढ़ा दिया है और नए प्रतिबंधों की घोषणा की। राज्य सरकार ने अपने आदेश में कहा है कि मॉल और बाजारों को शाम 7 बजे तक खोलने की अनुमति है। हालांकि दूध और मेडिकल जैसी आवश्यक आपूर्ति की दुकानों को हर समय खोलने की अनुमति है। अमृतसर से सिद्धू के खिलाफ पंजाब चुनाव लड़ेंगे बिक्रम सिंह मजीठिया। जी हां, शिरोमणि अकाली दल ने घोषणा की है कि पूर्व केंद्रीय मंत्री बिक्रम सिंह मजीठिया कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू के खिलाफ पंजाब विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। दोनों नेता आगामी चुनाव में अमृतसर पूर्व विधानसभा सीट के लिए चुनाव लड़ेंगे। अकाली दल प्रमुख और 5 बार के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल मुक्तसर में पारंपरिक सीट लंबी से चुनाव लड़ेंगे। अल सल्वाडोर ने क्रिप्टो क्रैश के बाद 410 बिटकॉइन खरीदे, आईएमएफ ने दी चेतावनी। जी हां, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने वित्तीय और बाजार अखंडता, वित्तीय स्थिरता और उपभोक्ता संरक्षण के लिए बड़े जोखिमों का हवाला देते हुए अल सल्वाडोर को कानूनी निविदा के रूप में बिटकॉइन का उपयोग नहीं करने की चेतावनी दी है। सितंबर 2021 में बिटकॉइन को कानूनी निविदा के रूप में अपनाने वाला देश बनने के बाद इसने क्रिप्टो दुर्घटना के बाद भी कुल $15 मिलियन में 410 बिटकॉइन खरीदे। एयर इंडिया के अधिग्रहण से पहले पीएम मोदी से मिल सकते हैं टाटा सन्स के चेयरमैन। जी हां, 69 साल की लंबी यात्रा के बाद एयर इंडिया आधिकारिक तौर पर टाटा समूह को सौंप दिया जाएगा। आधिकारिक हैंडओवर प्रक्रिया के संबंध में टाटा समूह की ओर से औपचारिक घोषणा की जाएगी। एयर इंडिया के आधिकारिक हैंडओवर से पहले टाटा सन्स के चेयरमैन के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने की संभावना है। महाराजा एयर इंडिया का आधिकारिक शुभंकर है। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल जियोबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। और हमारे ओल्ड और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट और कम्युनिटी टैब को जरूर चेक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका शुक्रिया।